मनुष त्रिपाठी हमारे दूसरे संवाददाता दादर चौपाटी पर मौजूद है। मध्य मुंबई का इलाका है, बिल्कुल सामने शिवाजी पार्क, और दादर चौपाटी से मुंबई का सबसे बड़ा सी लिंक वहां से दिखाई देता है। लोगों ने वहां पर भी भीड़ लगाई थी सी लिंक देखने के लिए। आज गणपति विसर्जन की भीड़ कैसी है मनुज, आपसे जानना चाहेंगे। आज दोपहर से वहां पर आप मौजूद हैं, शाम के बाद वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या लग रहा है? सात हजार से ज्यादा मूर्तियां मुंबई में विसर्जित हो चुकी हैं और सुबह 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा और लालबाग के राजा के विसर्जन के साथ ही विसर्जन की पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त होगी। और कई महीने में जो दादर चौपाटी है यहाँ पे लोग अपने घरों में जो 11 दिनों तक गणपति रखते हैं उनका विसर्जन यहाँ पे हो रहा है। काफी बड़ी मूर्तियां नहीं है लेकिन आस्था के मामले में वो किसी भी बड़ी मूर्ति से कम नहीं है। हर कोई यहाँ आ रहा है सिर्फ नम आक्रोश से गणपति जी को विदा कर रहा है। एक खुशी भी है कि गणपति जी अगले साल हमारे यहाँ जल्द से जल्द आए और इसीलिए शायद हर कोई मराठी में यही नारे लगा रहा है कि गणपति पुढ़ा वर्षी लवकर आ, यानी उस साल हम आपको विदा करते हैं लेकिन अगले साल आप जल्द से जल्द आइएगा। और शायद कई कई मायनों में ये जीवन के लिए भी हमारी यही फिलोसफी लागू होती है कि जो चीज संसार में आई है उसे एक न एक दिन जाना है। तो कई न कई मायनों में गणेश उत्सव हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सिखा जाता है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपना सकते हैं। साहिल तो मनुज त्रिपाठी हमको बता रहे हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन दादर चौपाटी पर किस तरीके से विसर्जन चल रहा है। लेकिन केवल अनंत चतुर्दशी के दिन मुंबई में गणपति का विसर्जन नहीं होता, तो कुछ गणपति केवल डेढ़ दिन के लिए अपने घर में बसाए जाते हैं लेकिन उसी भक्ति और श्रद्धा के साथ। और केवल आम लोग नहीं तो कई सितारे भी अपने घरों में डेढ़ दिन के गणपति बसाते हैं।